गाइज वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल विनी साइट 90। आज हम करने जा रहे हैं आर डी समा क्लास 11 का एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 15। सो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और पी स्क्वायर। पहले हम क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और ये ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आइए अब इसको पहले पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर पी प्लस सी स्क्वायर पी, एंड इसको टू से माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी डी, और इसको पहले ब्रैकेट में घेर लेते हैं, इसको पी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर पी, मैं इसलिए तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ ताकि अच्छा समझ में आए, नहीं तो मैं चाहता तो वैसे ही पी से कर सकता था, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। प्लस सी स्क्वायर पी एंड माइनस इससे करो टू ए बी पी माइनस टू बी सी पी माइनस टू सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आइए अब हम इसमें क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर पी ए बी पी एंड बी स्क्वायर, इसको एक साथ ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर पी माइनस टू ए बी पी एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दूसरा में प्लस करके इसमें ले सकते हैं, इसमें हम क्या ले सकते हैं बी स्क्वायर पी, इसमें ले सकते हैं बी स्क्वायर पी माइनस टू बी सी पी एंड प्लस सी स्क्वायर, ओके, फिर प्लस कीजिए। अब हम क्या ले सकते हैं इसमें सी स्क्वायर पी, आप लेंगे इसमें पैकेट ले लेते हैं, सी स्क्वायर पी माइनस टू सी डी पी एंड प्लस डी स्क्वायर। इसको क्या, इसको हम जैसे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना, तो वैसे इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, उसी फॉर्मेट में ये भी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, प्लस ये हो जाएगा बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक आ गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका स्क्वायर। देखिए अब इसको करना क्या है, पहले हम करते हैं क्या ए बी माइनस बी होल स्क्वायर, तो सबके मान लीजिए कि जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको अगर हम जीरो के इक्वल लेते हैं तो ए भी ज़ीरो होगा बी भी ज़ीरो होगा और सी भी ज़ीरो होगा, ठीक है, ये होगा। तो अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो गाइस ये अभी थोड़ा सा ये नहीं होगा, मतलब कि पहले लिखेंगे जैसे कि अब हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अलग अलग लगे दोनों। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और ए बी सी, जब ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर तब हो जाएगा ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड सी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये जब ये होंगे ग्रेटर इक्वल देन जीरो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो हो जाएंगे, और जीरो एक पॉजिटिव नंबर जीरो तब होता है जब उसका ए भी ज़ीरो बी भी ज़ीरो एंड सी भी ज़ीरो। तो अब हम इसको लिखेंगे, ए पी माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी सी माइनस सॉरी बी पी बी पी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सी पी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी बाई पी, बी इज इक्वल टू सी बाई पी एंड इसका हो जाएगा सी इज इक्वल टू डी बाई पी। तो सॉरी सॉरी गाइज, बी हमें लेना था,
तो ये इसको थोड़ा काट देते हैं, ठीक है, हमको पी लेना था, पी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और उसके बाद पी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, एंड ये हो जाएगा पी इज इक्वल डी अपॉन सी। अब इस दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, सिर्फ इस दोनों को, तो हमारे पास आएगा बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो मतलब कि ए बी सी जो है जीपी में है, जीपी में है। और अब दूसरा कंपेयर करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, तो ये हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, बी डी हो गया। मतलब कि बी सी डी जो है जी पी में है, और इस दोनों को देखते पता चल जाता है कि ए बी सी एंड डी आर इन जी पी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन सवाल सॉल्व करना हमारा तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपको समझ में अगर ना कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को रिमाइंड करके समझ सकते हैं, और हम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करें, और दोस्तों तक शेयर करें, बिकॉज शेयर इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।